हेलो, दिस इज़ डॉक्टर दानिश। वेलकम टू योर साइंस क्लास। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10th एंड टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, हेयर आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट आई वुड फोकस ऑन द एनसीईआरटी बुक। एक्चुअली इन एनसीईआरटी देर इज़ ए प्रिस्क्राइब सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू विच आई विल टीच यू, है ना। क्योंकि जो रेफरेंस बुक है बेटा, उसमें बहुत सी चीज़ें दे रखी होती हैं जो मुझे नहीं लगता कि आपको पहले एक प्रिमिटिव नॉलेज ले लेना चाहिए। किसी भी चीज़ की एक प्रिमिटिव नॉलेज पहले आपके पास आ जाए, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, उसके बाद ही हमको उसके डेप्थ में जाना चाहिए, उसकी फर्दर इंक्वायरीज करना चाहिए। ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमें अभी उसको बेसिक लेवल पे हमें चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड वी फर्दर प्रोसीड इनटू द सिस्टम। बिकॉज ये जो टॉपिक है ये आपका 12th में भी है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेल और फीमेल दोनों का 12th में भी ये टॉपिक्स हैं और ये उन्होंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, है ना। तो अगर मैं ये करूँगा कि यहाँ पे इसको मतलब यहाँ पे इस तरह से कर दूँगा तो फिर आपको कोई फ़ायदा इसका नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझाऊँ, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाऊँ, तो होगा क्या, आप एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल जो जिस्ट है आपकी जो एनसीईआरटी में दे रखी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके, वो नहीं समझ पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन एनसीईआरटी सिलेबस एंड फॉर गेटिंग सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन वी विल रेफर टू द एहसान बुक। एहसान बुक इज़ अ वेरी नाइस बुक एंड यू मे गेट सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सम एडिशनल थिंग्स फ्रॉम देयर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे मैं आपको आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या हम बताएंगे, सबसे पहले मैं देखिए मैं आपको समझा दूं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पहले देखिए बहुत शॉर्ट में आपको समझा दूं कि इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, या फिर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस। एक्चुअली टू पोर्शंस आर देयर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पोर्शंस की बात की है, तो ये जो पोर्शंस हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये दो होते हैं। फर्स्ट पोर्शन विच प्रोड्यूसेस द जर्म सेल्स। जर्म सेल्स आपको मैंने बताया था कि मेल और फीमेल दोनों के ही केस में मेल जर्म सेल्स और फीमेल जर्म सेल्स का जो वर्ड्स हैं वो आते हैं। मेल जर्म सेल जो होती है वो स्पर्म को बोला जाएगा और ये मायोसिस जो एक काइंड ऑफ डिवीज़न है इसका प्रोडक्ट होगा, है ना। और जो आपका एग है वो फीमेल जर्म सेल्स को बोला जाएगा, यानी कि एग जो है, ओवम जो है, एग का दूसरा नाम ओवम है। तो एग और ओवम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल जर्म सेल्स है और जो स्पर्म है वो मेल जर्म सेल्स हैं। तो यहाँ जर्म सेल्स का नाम आएगा। तो ये कह रहे हैं द मेल हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स, यानी कि जर्म, एक तो इसमें दो पोर्शन मेन होते हैं, इसमें एक पोर्शन जर्म सेल्स बनाता है। अब आपको जर्म सेल्स क्या बनाता है थोड़ा मैं डायग्राम में दिखाऊँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक टेस्टीज जो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो टेस्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्पर्म्स। सो टेस्टीज एक सेक्स ऑर्गन भी है ना, और ये क्या करता है, ये आपका स्पर्म बनाता है और इसके साथ साथ ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, ग्लैंड जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसके स्पर्म बनाने के साथ साथ ये उसको जो आप में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं जैसे दाढ़ी मूछ का निकलना, है ना, आर्म पेट में बाल आना, प्यूबिक हेयर्स आना, है ना, चेस्ट पे बाल आना और आपकी वॉइस का क्रैक होना, ये जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, ये इससे निकलने वाला एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये ग्लैंड कम ऑर्गन का काम करती है टेस्टीज। तो एक पोर्शन तो ये टेस्टीज हो गई जो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब आते हैं इस पे टेक्स्ट पे। एंड द अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखिए, और दूसरा पोर्शन हमें एक दूसरा पोर्शन होता है जो टेस्टीज में बनने वाले स्पर्म को लेके चलता है। जैसे यहाँ पे वासा डिफरेंस, तो टेस्टीज कितनी होती हैं, वन पेयर ऑफ टेस्टीज होती हैं, दो होती हैं, एक सिंगल
पाउच में, है ना, जो बॉडी से बाहर एब्डोमेन से बाहर लटका हुआ रहता है, इसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, लिखा हुआ है। स्क्रोटम को आप स्क्रोटल बैग भी बोल सकते हैं या स्क्रोटल सैक भी बोल सकते हैं, सैक मीन बैग, जिसमें ये दोनों टेस्टिस प्लेस होती हैं। ठीक है, अब इन हर टेस्टिस से एक वासा डिफरेंस निकलता है जो लेके चलता है स्पर्म को, कंडक्ट कराता है, और फिर देखिए यहाँ पे सेमिनल वेसिकल इसको ज्वाइन करती है, यानी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आके सेमिनल वेसिकल इससे अटैच होती हैं। फिर आगे जब ये जंक्शन होता है जहाँ पे यूरिथ्रा से जब ये मिलता है, तो यूरिथ्रा पे भी प्रोस्टेट ग्लैंड, वन पेयर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं जो इस जंक्शन पे ज्वाइन करती हैं, यानी कि उधर से वासा डिफरेंस आ रहा है, ब्लैडर से यूरिथ्रा आ रहा है, यूरिथ्रा को ज्वाइन कर लेता है वासा डिफरेंस, और यहीं पर प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं। और बाद में आप ये देखिए पेनिस, ये जो यूरिथ्रा है वो पेनिस से होके बाहर आउटसाइड या इस बाहर खुलती है, ठीक है, जिससे यूरिन भी बाहर पास आउट होता है और सीमेन भी बाहर पास आउट होते हैं। तो ये जो आपकी वास डिफरेंस है, ठीक है, फिर आपके और सिस्टम हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं जो हेल्प करती हैं इसके कंडक्शन में, फिर आपका यूरिथ्रा है, पेनिस है, ये सारे उस दूसरे पोर्शंस में आ जाएंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। दरअसल होता क्या है, ये जो पेनिस है, ये जो पेनिस यहाँ पे आप देख रहे हैं, पेनिस जो होता है वो वजाइना के अंदर एंटर करता है, और वजाइना में जो सर्विक्स का जो ओपनिंग, सर्विक्स क्या होती है, ओपनिंग ऑफ यूट्रस, तो यूट्रस की जो ओपनिंग होती है सर्विक्स कहलाती है। तो इसमें यहाँ पे स्पर्म को छोड़ देता है पेनिस। फिर क्या होते हैं, क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो मूव कर सकते हैं, टेल होती है उसमें, तो वो अंदर मूव कर जाते हैं यूट्रस में, और यूट्रस से होके ये देखिए यहाँ पे जो ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब है यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे जो बेंड पोर्शन है जिसे एम्पुला बोलते हैं यहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। आप सोचिए फेलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाते हैं स्पर्म्स खुद मूव करके, और इधर ओवरी से ओवुलेशन होता है, ओवा निकलता है, एग निकलता है, और यहीं जो आपका ये जो बेंड पोर्शन है यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम सिनगैमी भी है, इट मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स। मेल सेल जर्म सेल क्या है, स्पर्म, और फीमेल क्या है, एग। तो स्पर्म और एग का जो फ्यूजन होता है वो यहाँ ओविडक्ट में या फेलोपियन ट्यूब्स में होता है। मैं आपके अब काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये दो पोर्शंस मेन होते हैं, एक तो स्पर्म्स को बनाने वाले, और दूसरा जो पोर्शन होता है द अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट मीन्स फेलोपियन ट्यूब तक इसको छोड़ना, है ना। वैसे जो आपका सिस्टम होता है वो सिर्फ इसको सर्विक्स तक छोड़ता है या यूट्रस तक छोड़ता है, फिर वहाँ से ये फर्दर मूव खुद कर जाते हैं क्योंकि इनमें टेल होती है। द फर्टिलाइजेशन ऑफ जर्म सेल्स आर स्पर्म्स, है ना, ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस ऑफ, ये टेस्टिस में क्या बनते हैं मैंने आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि ये ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है, तो इसमें जर्म सेल्स जो मेल वाली होती हैं वो बनती हैं इसके अंदर। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। स्क्रोटम या स्क्रोटल बैग के बारे में भी आपको बताया कि ये वो बैग होता है एब्डोमिन से बाहर रहता है, और ये बाहर क्यों रहता है, दरअसल जो हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए वो लगभग 34 to 35 रहता है, तो 2.5 डिग्री का फ़र्क होना चाहिए बॉडी से। अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर रहेंगे तो इसमें फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाएगा, तो इसमें क्या होता है, इसलिए स्क्रोटल सैक बॉडी से बाहर होता है जिससे इसका टेम्परेचर कम हो पाता है और ये फॉर्मेशन स्पर्म का अच्छे से हो पाता है, ठीक है। सो द टेम्परेचर, ये आपको लिखा हुआ है, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मैंने कितना बताया 37, होना कितना चाहिए 34 to 35, तो इसके बीच में स्पर्म का अच्छा प्रोडक्शन हो पाता है। वो कब हो पाएगा, जब ये टेस्टिस बाहर रहेंगी बॉडी से एक स्क्रोटल सैक में, ठीक है। अब आगे देखिए, द रोल ऑफ द टेस्टिस इज इन द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। मैंने आपको बताया था ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, ग्लैंड का भी तरह वर्क करती है टेस्टिस, और ये टेस्टोस्टेरोन निकालती है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी को मैंने आपको समझाया है कि अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी का जो टाइम है वो प्यूबर्टी है, बॉयज़ में 10 से 14 साल है,
सॉरी बॉयज़ में 12 से 16 साल है। तो 12 से 16 साल में जो भी इनमें हमारे में डेवलपमेंट्स होते हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, हमारा मस्कुलिन होना, हमारी मसल्स का ज़्यादा मजबूत होना, चेस्ट पे बाल आना, हाथों पे बाल आ जाना, ठीक है, प्यूबिक हेयर, अंडर आर्म हेयर्स, तो ये सारे जो होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, वॉइस का क्रैक होना, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर होते हैं वो कहाँ होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कराते हैं। इनके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही जिम्मेदार है। द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास्ट डिफरेंस विच यूनाइट्स विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लड। ये आपको बता चुका हूँ कि स्पर्म अब कहाँ से चलते हैं, वासा डिफरेंस से होकर चलेंगे और ये वासा डिफरेंस ज्वाइन करेगी यूरिनरी ब्लड से आने वाली यूरिथ्रा को, ठीक है। द यूरिथ्रा दस फॉर्म्स ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड फॉर यूरिन। अब ये जो यूरिथ्रा होगी, ये पेनिस के अंदर एक ट्यूब होती है, अब ये यूरिन को भी ले जाएगी और स्पर्म को भी ले जाएगी, ठीक है। और अलॉन्ग द पाथ ऑफ द वासा डिफरेंस, और यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वासा डिफरेंस का जो पाथ है, इसमें देखिए सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कुछ ग्लैंड्स होती हैं, है ना। अलॉन्ग विद द पाथ ऑफ द वासा डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसाइकल्स एट देयर सिक्रीशन, सो द स्पर्म आर नाउ इन अ फ्लूड विच मेक्स देयर ट्रांसपोर्ट ईजियर एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या होता है, सेमिनल वेसाइकल से निकलने वाला सिक्रीशंस ऐड हो जाता है स्पर्म के साथ, प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला सिक्रीशन ऐड हो जाता है, ये इसकी कंडक्शन को स्मूथ करते हैं, इजी करते हैं, स्लिपरी बना देते हैं पैसेज को, इसके साथ साथ इसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराते हैं, किसको, स्पर्म्स को, ठीक है। द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटीरियल। जो आपके स्पर्म्स होते हैं वो मेंढक के जो फ्रॉग का टैडपोल है वैसे होते हैं, इसमें एक हेड होता है, हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है और एक लंबी टेल होती है जो इसको मूवमेंट के लिए, मोटिलिटी के लिए जिम्मेदार होती है। और जैसे ही अपने डेस्टिनेशन को पहुंच जाते हैं, टेल डिसॉल्व हो जाती है और इनका जो आगे का हेड पोर्शन है वो मर्ज कर जाता है एग के साथ, ठीक है। एंड लॉन्ग टेल दैट हेल्प्स देम टू मूव टूवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। फीमेल जर्म सेल से इसका इनकाउंटर कहाँ होता है, मैंने आपको बताया यहाँ पे ओविडक्ट में होता है, तो ओविडक्ट तक इसको ले जाने का काम इसकी टेल ही करती है। तो इस तरह से ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है आपका। तो मुझे आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो आपको ये लिख लेना है कॉपी में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और डायग्राम बना लेता है मेल वाला फिगर, यानी कि 8.10 जो है ये आपको पूरी बनाना है और ये पूरा टेक्स्ट लिखना है। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे और देन फिर हम अपनी पब्लिक हेल्थ का जो एक टॉपिक बचा है बस उसे पूरा करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक टॉपिक जो बचा है इसको पूरा करेंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन गुड बाय।